हैं, जो मोहल्ला 15 है उसमें एक दो दिन से काफ़ी समस्याएं आ रही थी, और जिसको हमारे भारती जी खुद देखते हैं और पढ़ते हैं, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारती जी ने आज हमारे लिए वक्त निकाला, और खुद भारती जी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ हमारे साथ जापना हजरानी में पूरा दौरा किया, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ वहाँ जाकर खुद देखा, और उस समस्या के लिए सारे अधिकारियों को बहुत ही सख्ती से कहा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। और मैं तकरीबन पिछले 4 से 5 साल से देख रहा हूँ कि जहाँ पर भी कोई समस्या आती है तो वहाँ भारती जी खुद खड़े होते हैं, चाहे वो सोनिया बिहार के पानी का प्रेशर का बात हो। एक दिन तो 4 बजे भारती जी सुबह घर से उठ के चले आए थे पानी का प्रेशर चेक करने के लिए, तो मैं जितना भी इनका शुक्रिया अदा करूं कम है। और आज भारती जी ने हौदरानी और जापना का दौरा करके ये दिखा दिया कि भारती जी वाकई मेहनत इतनी करते हैं कि शायद ही किसी और नेता कोई कर पाए। और ये है हमारे, जैसे यहाँ पे जैसे देखते हैं हम लोग इतना सारा कूड़ा वगैरह किया हुआ है, तो क्या एमसीडी वाले यहाँ पे ये जो काम जो है कूड़े का, जो एमसीडी का काम है, नंदिनी शर्मा जो है हौदरानी और जहापना की तरफ को एक नज़र भी नहीं उठा के देख रही, उनको सिर्फ जहाँ से बोर्ड शायद के उन्हें लगता है कि यहाँ से बोर्ड नहीं मिला है तो यहाँ काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ मालवीय नगर का काम कर सकती हैं या कहीं और का, पर इस तरफ नंदिनी शर्मा का कोई ध्यान ही नहीं है, ना ही यहाँ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भेजती हैं, ना ही यहाँ साफ सफाई की मतलब कोई झाड़ू वाला भेजती हैं, ना ही एमसीडी का काम जो कचरा उठाने का, वो कोई काम नहीं हो रहा उनके नेतृत्व में, यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। और चूँकि उनका काम भी हमारे भारती जी के पास जाता है कचरा उठाने का, सफाई करवाने का, फिर भी हमारे भारती जी का एमसीडी में काम नहीं है, फिर भी ये करा देते हैं कि चलो ये हमारे पास लोग आते हैं। और ज़्यादातर लोग जापना और हौदरानी के भारती जी से ही गुहार लगाते हैं कि हमारा ये काम होना है, जबकि एमसीडी का जो अंडर काम आता है आज तक यहाँ से नंदिनी शर्मा के पास खुद इसलिए नहीं जाते लोग क्योंकि वहाँ काम ही नहीं होता। और आज आप हालात देख सकते हो, रोटों की हालात देख सकते हो, कचरे की हालात देख सकते हो, ऐसे ही पड़ा रहता। तो इसका समाधान क्या है आपके हिसाब से? इसका समाधान तो यही है कि अगर ये साफ नहीं करेंगे एमसीडी को, हमको साफ करना पड़ेगा, बीजेपी को यहाँ से एमसीडी में हटाना है और आम आदमी पार्टी को एमसीडी में दोबारा से लाना है, तभी हमारी यहाँ सफाई हो पाएगी, ना उससे पहले तो नहीं लगता मुझे कोई सफाई हो जाएगी।